एमए उत्तराद संस्कृत चतुर्थ प्रश्न पत्र स्त्री प्रकरण। मैं डॉक्टर मनीषा गोदारा सह आचार्य संस्कृत राजकीय बांगड़ महाविद्यालय टीटवाना। इंद्र वरुण भव शर्व रुद्र मृड हीरा हिमारण्य यव यवन मातुलाचार्यानाम अनुख। इंद्र वरुण भव शर्व रुद्र मृड हिम अरण्य यव यवन मातुल और आचार्य, इन 12 प्रातिपदिकों से स्त्रीत्व की विवक्षा में गीष प्रत्यय तथा इन प्रातिपदिकों को अनुक का आगम भी हो जाता है। इंद्र वरुण भव शर्व रुद्र मृड हिम अरण्य यव यवन मातुल और आचार्य, इन 12 प्रातिपदिकों से स्त्रीत्व की विवक्षा में गीष प्रत्यय तथा इन प्रातिपदिकों को अनुक का आगम भी हो जाता है। इंद्राणी, इंद्र से स्त्री इंद्राणी। यह इंद्र प्रातिपदिक के पूर्ण योग में स्त्रीत्व की विवक्षा में इंद्र वरुण भव शर्व सूत्र से गीष प्रत्यय तथा आद्यंतौ टकितौ परिभाषा के अनुसार आनुक इंद्र आदि प्रातिपदिकों का अंत अव्यव बनता है। इंद्र आन ईश, इंद्रान ई, ईश के शकार की हलंत्यम से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप, ककार की लशव का तदिते से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप, ईशेष रहता है। इंद्रान ई अक सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ करने पर बना इंद्रान ई। अटकुपवांग नुम व्यवायपी से नकार को नकार इंद्राणी। ज्ञाप प्रातिपदिकात से प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सुप्रत्यय। हल ज्ञाप्यो दीर्घा सूत से प्रिक्तम हल से सूक प्रत्यय का लोप। इंद्राणी, इंद्र से स्त्री इंद्राणी। इंद्र वरुण भव शर्व सूत्र से गीष का आगम तथा आद्यंतव टकितव परिभाषा के अनुसार आनुक का आगम। इंद्र के पश्चात इंद्र आन गीष, गीष से ईशेष इंद्रान घी, अक सवर्ण दीर्घ से दीर्घ से सवर्ण दीर्घादेश इंद्रान ई। अटकुप वांगनुम व्यवायपि से नकार को नकारादेश इंद्राणी। ज्ञाप प्रातिपदिकात से सुप्रत्यय का आगम। हल ज्ञाप्यो दीर्घा सूत से प्रिक्तम हल से सु का लोप बना इंद्राणी। हिम अरण्यो महत्वे, हिम और अरण्य इन दो प्रातिपदिकों से महत्व अर्थ में ही गीष और आनुक का विधान समझना चाहिए। हिम और अरण्य इन दो प्रातिपदिकों से महत्व अर्थ में ही गीष और आनुक का विधान समझना चाहिए। महत हिमम हिमानी, इसका उदाहरण है महत हिमम हिमानी। यवाद दोषे, दोष द्योत्य होने पर यव प्रातिपदिक से परे गीष प्रत्यय और प्रतीक प्रकृति को आनुक का आगम हो जाता है। यवाद दोषे, दोष द्योतित होने पर यव प्रातिपदिक से परे गीष प्रत्यय और प्रकृति को आनुक का आगम हो जाता है। उदाहरण है दुष्टो यवह यवानी। यवनात लिप्याम, यवन प्रातिपदिक से गीष प्रत्यय तथा प्रकृति को आनुक का आगम लिपि विशेष के वाच्य होने पर ही होता है। यवना नाम लिपि यवनानी। यवनात लिप्याम, यवन प्रातिपदिक से गीष प्रत्यय तथा प्रकृति को आनुक का आगम लिपि विशेष के वाच्य होने पर ही होता है। उदाहरण है यवना नाम लिपि यवनानी। मातुलोपाध्यायो आनुक वा, मातुल मामा
और उपाध्याय। इन दो उपाधिपदिकों से पूर्ण योग में स्तित्व की विवक्षा में गींश प्रत्यय तो नित्य नित्य होता है, पर अनुकागम विकल्प से होता है। दो रूप बनते हैं, दो प्रयोग बनते हैं, मातुलानी मातुली। मातुल और उपाध्याय इन दो प्रातिपदिकों से प्रयोग योग में स्तित्व की विवक्षा में गींश प्रत्यय तो नित्य होता है, पर अनुकागम विकल्प से। इसका उदाहरण है मातुलानी मातुली। आचार्यात अनत्वम च, आचार्य प्रातिपदिक से परे अनु के नकार को नकार नहीं होता। आचार्य से स्त्री आचार्यानी, आचार्यानी का प्रयोग की प्रयोग सिद्धि। आचार्य से स्त्री आचार्यानी या आचार्य शब्द से पूर्ण योग में इंद्र वरुण भव शर्व सूत्र द्वारा गिश प्रत्यय होकर प्रकृति को अनुकागम हो जाता है। बनता है आचार्य आन ई। अटकुप वांगनुम व्यवायपि सूत्र से नकार को नकार प्राप्त होता है। इस पर प्रकृत वात्तिक आचार्यत्व अनत्वम से उसका निषेध हो जाता है। अक सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ आदेश करने पर बनता है आचार्यानी। ज्ञान प्रातिपदिकात से प्रथमा एक वचन में सु, हलज्ञाभ्यो दीर्घात सूत्र से प्रतम हल से सु का लोप बनता है आचार्यानी। यदि कोई स्त्री स्वयं व्याख्यात्री पंडिता होगी तो पूर्ण योग के अभाव में इंद्र वरुण भव शब्द से गीश और आनुक न होकर अजाद्यश टाप से टाप प्रत्यय ही होगा। आचार्य टाप टाप से आशेष आचार्य आ, अस्क सवर्ण दीर्घ से दीर्घ सवर्ण आदेश करने पर बनता है आचार्य। अरे क्षत्रियाभ्याम वा स्व अर्थ। अरे एवं क्षत्रिय प्रातिपदिकों से स्वार्थ में पुंयोग नहीं, बल्कि जाति आदि वाच्य होने पर स्तित्व की विवक्षा में गीश प्रत्यय और आनुक आगम विकल्प से होते हैं। गुरु बनेंगे अर्यानी अर्या। अरे क्षत्रियाभ्याम वा स्वार्थे, वार्तिक से अर्य स्वामी या वैश्य, प्रातिपदिक से स्वार्थ में पूर्ण योग में नहीं बल्कि जाति आदि वाच्य होने पर स्तित्व की विवक्षा में गींश प्रत्यय तथा आनुक विकल्प से होते हैं। अरे आन गींश, गींश से ईशेष, अक सवर्ण दीर्घ से दीर्घ से सवर्ण दीर्घ आदेश अर्यान ई। अटकुप वांग नुम व्यवाय अपि से नकार को नकार आदेश अर्यानी। पूर्ण योग में पूर्ण योगात आख्यायाम से निर्बाध गीश हो जाएगा और बनेगा अरी। अनुकागम नहीं होगा। कीतात करण पूर्वात, कृतांतात अदंतात कर्णादे स्त्रियाम गीश स्यात। क्रीत शब्द जिसके अंत में तथा करणवाचक जिसका पूर्व अव्यव हो उस अदंत प्रातिपदिक से स्तित्व की विवक्षा में गीश प्रत्यय होता है। वस्त्र कृति, वस्त्री की कृता वस्त्र कृति, वस्त्र भिस कृत, अलौकिक विग्रह। इस अलौकिक विग्रह में कृत शब्द से सुप उत्पत्ति से पूर्व ही गति कारक उपदानाम कृद्वी स समास वचनम प्राक सुप उत्पत्ते इस परिभाषा के बल से कर्त्री करने कृता बौलम सूत्र द्वारा तत्पुरुष समास होकर सुपो धातु प्रातिपदिकों से सुप लोप करने पर वस्त्रकृत बना। इस शब्द के अंत में कृत शब्द तथा इसके आदि में करणवाचक वस्त्र शब्द विद्यमान है, किंच यह समस्त प्रातिपदिक अदंत भी है, इसलिए स्तित्व की विवक्षा में इससे प्रकट कृतात् करण पूर्वात् सूत्र द्वारा गीश पर। यचिभम से अकार की भ संज्ञा, यस्यति च से भ संज्ञक अकार का लोप कर बनता है वस्त्र कृति। वस्त्र भी कृत। इस अलौकिक विग्रह में कृत शब्द से
सुपुत्पत्ति से पूर्व ही गति कारक उपपदानाम कृतभी स समास वचनम प्राक सुपुत्पत्ते। इस परिभाषा के बल से कर्त्रे करने कृता बहुलम सूत्र द्वारा तत्पुरुष समास होकर सुपो धातु प्रातिपदिकों से सुप का लोप करने पर बना वस्त्र क्रीत। इस शब्द के अंत में क्रीत शब्द तथा इसके आदि में करणवाचक वस्त्र शब्द मौजूद है। किंच यह समस्त प्रातिपदिक अदंत भी है, इसलिए स्तित्व की विवक्षा में इसे कृतात करण पूर्वा सूत्र द्वारा गीश प्रत्यय हो जाता है। वस्त्र क्रीत गीश गे से ई शेष। यची बम से अकार की भ संज्ञा यस्यति च से अ का लोप करने पर बना वस्त्र क्रीत ई मिलाने पर बनता है वस्त्र कृति। प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सुप्रत्यय और सुप्रत्यय का लोप करने पर वस्त्र कृति प्रयोग सिद्ध होता है। स्व अंगा च उपसर्जनात् असंयोग उपदात् असंयोग उपदम उपसर्जनम यत् स्व अंगम तदंतात् अदंतात् घीश्वास्यात् स्त्रियम अतिकेशी केशान अतिक्रांता अतिकेशी अतिकेशा। जिसकी उपदा में संयोग न हो ऐसा जो उपसर्जन संज्ञक स्व अंगवाची शब्द तदंत अदंत प्रातिपदिक से स्तित्व की विवक्षा में विकल्प से गीश प्रत्यय होता है। केशान अतिक्रांता अतिकेशी अतिकेशा वा लौकिक विग्रह केशस अति अलौकिक विग्रह। इस अलौकिक विग्रह में अत्यादय क्रांतादि अर्थे द्वितीय इस वार्तिक से प्रादि समास केशस अति सुपो धातु प्रतिपयुक्त प्रातिपदिक सूत्र से सुप का लोप तथा प्रथमा निर्दिष्टम अति की उपसर्जन संज्ञा उपसर्जनम पूर्वम से उसका पूर्व निपात कर अति केश प्रातिपदिक निष्पन्न हुआ। यहाँ पर प्रातिपदिक के अंत में स्व अंगवाची शब्द है केश। इसकी उपधा में कोई संयोग नहीं है किंच विग्रह में नियत विभक्तिक होने से एक विभक्ति चा अपूर्ण निपाते सूत्र द्वारा यह उपसर्जन संज्ञक भी है। अतः तदंत अतिकेश सबसे विभक्ति लाने से पूर्व स्तित्व की विवक्षा में स्व अंगात च उपसर्जनात् असंयोग उपपात द्वारा विकल्प से गीश प्रत्यय हो जाता है अतिकेश गीश ई। यचि बम से अकार की भ संज्ञा यस्यति च से भ संज्ञक अकार का लोप बना अतिकेशी। अलौकिक विग्रह केशश अति। इस अलौकिक विग्रह में अत्यादय क्रांत आदि अर्थे द्वितीय या इस वार्तिक से प्रादि समास सुपो धातु प्रातिपदिक सूत्र से सुप्लोक तथा प्रथमा निर्दिष्टम निर्दिष्ट अति की उपसर्जन संज्ञा एवं उपसर्जनम पूर्वम से उसका पूर्व निपात अतिकेश। यह प्रातिपदिक के अंत में स्वांगवाची शब्द है केश। इसकी उपदा में कोई संयोग नहीं है और यह नियत विभक्तिक है। अतः एक विभक्ति चा अपूर्ण निपाते सूत्र द्वारा यह उपसर्जन संज्ञक भी है। अतः तदन अधिकेश शब्द से विभक्ति लाने से पूर्व स्तित्व की विवक्षा में स्व अंगा च उपसर्जनात् असंयोगोपदात द्वारा सूत्र द्वारा गीश प्रत्यय। ई से ई शेष रहता अतिकेश ई। यचिबम से अकार की भ संज्ञा यस्यति च से भ संज्ञक अकार का लोप बना अतिकेशी। कीश के अभाव में अजाति तश टाप से अदंत लक्षण टाप हो जाता है अतिकेश टाप। टाप के टकार की चुटू से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप पकार के हलंत्यम से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप आशेष रहता है। अक सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ आदेश करने पर अतिकेशा बनता है। विभक्ति लाने से अतिकेशा प्रयोग सिद्ध हो जाता है। न क्रोडादि बहुवच क्रोडादि गण पठित स्वअंगवाचकों से तथा बहुवच अर्थात दो से अधिक अचों वाले स्व अंगवाचक शब्दों से परे स्तित्व की विवक्षा में गीश प्रत्यय नहीं होता। क्रोडादि आकृति गण है उदाहरणात कल्याण क्रोड़ा कल्याणी क्रोड़ा यस्य सा कल्याण क्रोड़ा अश्वा।
रुड़ा शब्द घोड़े के वक्ष स्थल का वाचक है और नित्य स्त्रीलिंग है। कल्याणी सु क्रोड़ा सु अलौकिक विग्रह। अनेकम अन्य पदार्थे से बहुब्री समास सुपो धातु प्रातिपदिकों से सुपों का लुक तथा मना कल्याणी क्रोड़ा स्त्रिया पूंवद भाषित पुंस्कात अनुक समानादि करने स्त्रियाम अपूर्णी प्रियादिशु स्त्रिया पूंवद भाषित पुंस्कात अनुक समानादि करने स्त्रियाम अपूर्णी प्रियादिशु से कल्याणी को पूंवद भाव के कारण कल्याण हो जाता है। कल्याण क्रोड़ा गो स्त्री उपसर्जनस्य से उपसर्जन रिस हो जाता है। कल्याण क्रोड़ अब शुभ उत्पत्ति से पूर्व स्त्रीत्व की विवक्षा में स्वांगवाची क्रोड़ा शब्द अंत में होने के कारण स्वअंग च उपसर्जनात् असंयोगोपदात से पाशिक किश प्रत्यय प्राप्त होता है, परंतु प्रकृत न क्रोड़ादि बहुवच सूत्र से उसका निषेध हो जाता है। अजातेतर टाप से अदंत लक्षण टाप कल्याण क्रोड़ टाप टाप से आशेष कल्याण क्रोड़ आ अक सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घादेश कल्याण क्रोड़ा प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सुप्रत्यय कल्याण क्रोड़ा सु हल ज्ञाभ्यो दीर्घा सूति से प्रतम हल से सु का लोप मना कल्याण क्रोड़ा। कल्याणी सु क्रोड़ा सु अलौकिक विग्रह। अनेकम अन्य पदार्थे से बहुव्रीहि समास सुपो धातु प्रातिपदिकेयों से दोनों सुपों का लोप कल्याणी क्रोड़ा स्त्रियां पूंवद भाषित पुंस्कात अनुक समानाधिकरणे स्त्रियां अपूर्णी प्रियादिशु से कल्याणी को पूंवद भाव होने के कारण कल्याण हो जाता है। कल्याण क्रोड़ा गो स्त्री उपसर्जनस्य से उपसर्जन रिस हो जाता है। कल्याण क्रोड़ स्वअंगा च उपसर्जनात् असंयोगोपदात से पाशिक गिंश प्रत्यय प्राप्त होता है, परंतु प्रकृत न क्रोड़ादि बहुवच सूत्र से उसका निषेध हो जाता है। अजादि अतष्टाप से अदंत लक्षण टाप कल्याण क्रोड़ आ अक सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ कल्याण क्रोड़ा प्रथमा एक वचन में सुप्रत्यय हल ज्ञाप्यो दीर्घा सूत्र से प्रतम हल से सु का लोप मना कल्याण क्रोड़ा। नख मुखात संज्ञायाम नवगीश स्वांगवाची जो नख अथवा मुख शब्द तदंत प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में गीश प्रत्यय नहीं होता यदि संज्ञा अर्थात किसी का नाम गम्यमान हो तो। शूर्पण खा शूर्पाणी इव नखानी यस्य सा तन्नामनी राक्षसी शूर्पनखा शूर्प जस नख जस अलौकिक विग्रह। अनेकम अन्य पदार्थे सूत्र से बहुव्रीहि समास सुपो धातु प्रातिपदिकों से सुपों का लोप हो जाता है। शूर्पनख स्वअंगा च उपसर्जनात् असंयोगोपदात से सूत्र द्वारा पांशिक गीश का नख मुखात संज्ञायाम से निषेध हो जाता है। अजाते तष्टाप से अदन लक्षण टाप शूप नक टाप टाप से आशेष अक सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ आदेश सूर्प नखा पूर्व पदार्थ संज्ञाम अग इसे नकार को नकार शूर्प नखा प्रथम एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय हल ज्ञाभ्यो दीर्घा सूत्र से प्रतम हल से सु का लोप और शूर्प नखा प्रयोग सिद्ध हो जाता है। शूर्पाणि एवं नखानी यस्या इस विग्रह में स्व अंगात च उपसर्जनात् सूत्र से पाशिक नीश एवं टाप होकर बनता है शूर्प नखी शूर्प नखा बनेगा। नख मुखा संज्ञाम सूत्र से नत्व भी नहीं होगा क्योंकि वह संज्ञा में ही नत्व का विधान करता है। गौर मुखा गौरम मुखम यस्या सा तन्नामनी काचित स्त्री गौर सुमुखसु अनेकम अन्य पदार्थे से बहुब्री समास